मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 23 दिसंबर को मंडी में आईपीएच विभाग की करोड़ों रुपए की परियोजनाएं जनता को सौंपेंगे। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने ये जानकारी परिधि गृह मंडी में मुख्यमंत्री के दौरे के संदर्भ में तैयारियों का जायजा लेते हुए दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 23 दिसंबर को प्रातः 10 बजे मंडी शहर के लिए 82 करोड़ रुपए से बनी ऊहल पेयजल योजना का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ शहर और साथ लगते क्षेत्र के लिए 68 करोड़ की मल निकासी योजना का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मुख्यमंत्री कंगनीधार दूधर उठाऊ पेयजल योजना की आधारशिला रखेंगे। आईपीएच मंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरे दिल से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने मंडी वासियों सहित सभी आम नागरिकों से 23 दिसंबर को बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया। महेंद्र सिंह ठाकुर ने वर्तमान प्रदेश सरकार के 2 साल के स्वर्णिम कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के प्रभावशाली नेतृत्व में प्रदेश सरकार के 2 साल का कामकाज बेमिसाल रहा है। किसानों बागवानों की आर्थिकी मजबूत करने और सिंचाई एवं पेयजल की बेहतर सुविधा देने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। जयराम सरकार विकास की इस यात्रा में हर हिमाचली को सहयात्री बनाने को प्रतिबद्ध है। बैठक में द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष सरला ठाकुर, जिला भाजपा अध्यक्ष रणवीर सिंह, भाजपा मंडलाध्यक्ष मनीष कपूर, पूर्व विधायक डीडी ठाकुर एवं कन्हैया लाल, नगर परिषद की अध्यक्ष सुमन ठाकुर, जिला परिषद के उपाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी व पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश सरकार शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के बड़े बड़े दावे कर रही है। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को फ्री वर्दियां दी जा रही हैं, कई सुविधाएं दी जा रही हैं, यहां तक कि फ्री शिक्षा भी दी जा रही है। लेकिन फ्री में दी जा रही शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, इस ओर शायद प्रदेश सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम ये कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहे। अगर आप भी शिक्षा बोर्ड द्वारा 9वीं कक्षा का प्रश्न पत्र देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे, जहां प्रश्नों का अनुवाद इंग्लिश में किया गया है और शायद अनुवाद किए गए प्रश्नों को किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों ने पढ़ा तक नहीं होगा। यही कारण है कि ये प्रश्न पत्र हास्य का प्रतीक बन चुके हैं। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी ने पंच कोणीय खेल का विरोध किया। इसका इंग्लिश में अनुवाद महात्मा गांधी अपोज पंच कोनिया प्ले, भारत में निर्धनता का कारण बताइए, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ पॉवर्टी ऑफ इंडिया। गन्ना उत्पादक एक राज्य, शुगर केन प्रोड्यूस्ड स्टेट, उत्तरी मैदानों के निर्माण का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब नॉर्थ ग्राउंड मेकिंग। इस तरह के प्रत्येक प्रश्न का जो अनुवाद किया गया है बेहास्यपद है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिसने भी ये प्रश्न पत्र बनाया है वे शायद नौसिखिया रहा होगा, लेकिन क्या उच्च अधिकारियों ने भी उस प्रश्न पत्र को बिना पढ़े ही छपने भेज दिया, ये एक बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। वहीं जब इस बारे में उच्च शिक्षा उपनिदेशक योगेंद्र मखैक से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने भी इस प्रश्न पत्र को लेकर बेहद खेद जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हैरानी वाली बात है कि पेपर सेट करने वाला पहले एक अध्यापक और अध्यापक के द्वारा ऐसा कार्य करना शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। इस बारे में पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार केवल वाहवाही लूटने के लिए स्कूलों में फ्री शिक्षा और फ्री वर्दी बांटने में लगा हुआ है, लेकिन शिक्षा का स्तर जिसे बेहतर करना चाहिए उस ओर कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह के ट्रांसलेशन प्रश्न पत्रों में देखी जा रही है उससे बेहतर ट्रांसलेशन तो निजी स्कूल का तीसरी का बच्चा कर लेता है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि सरकारी विद्यालयों में लोग बच्चे पढ़ाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि एक तरफ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे स्तर को केरल के बाद हिमाचल का नाम आता है, लेकिन हकीकत क्या है ये सभी के सामने है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के नाम पर बच्चों से खिलवाड़ हो रहा है जो सरासर गलत है।